नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं YouTube चैनल जो ब्लड गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई एक नई घोषणा के बारे में। राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना देने का वादा किया है, जिसके अंतर्गत गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि गरीब का वेतन 12,000 रुपए तक तय होगा। अगर आपको 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो वेतन के अनुसार 6,000 रुपए आपको सरकार देगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून रैली में घोषणा की कि अगर यूपीए सरकार सत्ता में आती है तो न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू करेगी और इस योजना के अंतर्गत 72,000 रुपए प्रति गरीब को दिए जाएंगे। दोस्तों, हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल में बताएंगे कि ये क्या योजना है और इसमें किस तरह की ये घोषणाएं की है कि 12,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को 25/3/2019 को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर देश के हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी है। हमने निर्णय लिया है, हम हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। यह न्याय न्यूनतम आय गारंटी है, ऐसी योजनाएं दुनिया में कहीं नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम 12,000 रुपए महीने की आय वाले परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी देंगे। कांग्रेस गारंटी देती है कि वह देश में 20% सबसे गरीब परिवारों में से प्रत्येक को हर साल 72,000 रुपए देगी। यह पैसा उनके खाते में जमा होगा। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उन्हें न्याय देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी देकर दिखा देंगे कि हम गरीब मिटा देंगे। हमारा कहना है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको महीने के 12,000 रुपए आय होनी चाहिए। इस योजना से 12,000 रुपए महीने की न्यूनतम आय सुनिश्चित करते ही इससे 25 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। साथ ही राहुल का दावा है कि देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। सालाना 72,000 रुपए इनके खाते में ट्रांसफर होंगे। ये योजना किस तरह से लागू होगी? कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार न्यूनतम आय की सीमा और लोगों की कमाई का अंतर गरीबों को मिलेगा। यानी अगर किसी को कमाई 6,000 रुपए हो रही है तो बाकी रकम है 6,000 रुपए वो सरकार देगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यह योजना पायलट स्तर पर चलाई जाएगी, फिर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। अगर ये योजना लागू होती है तो सरकार पर कितना खर्चा आएगा? इस योजना से अमल में आती है तो इस योजना का सालाना 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। यह 2019-20 के बजटीय खर्च का 13% हिस्सा होगा। यह रकम मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर सालाना खर्च किए जा रहे हैं 3.27 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगी। यह DGP का 2% हिस्सा होगा। मोदी सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिस किसान के पास 5 एकड़ तक की खेती योग्य जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की थी, अंतरिम बजट में की गई सरकार का दावा है कि 12 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। इसी योजना के चलते राहुल गांधी ने ये कहा कि यह ऐतिहासिक योजना है। अगर नरेंद्र मोदी देश में सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। 3 राज्यों में कांग्रेस ने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। मैं यह भी कह रहा हूँ कि वादा पूरा होगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, फिर पूरी स्कीम चलेगी। आइए दोस्तों, अब हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि मोदी जी की क्या योजना है और राहुल का क्या वादा है, किसके लिए ये योजना है। मोदी जी की योजना थी वो छोटे किसानों के लिए थी और राहुल जी का जो वादा है वो गरीबों के लिए है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल में बताते हैं।
वादा किया था। मोदी सरकार ने 2,000 रुपये प्रति किसान को मिलेंगे जिनके 5 एकड़ तक जमीन है और 3 किस्त में मिलेंगे। यही राहुल जी ने वादा किया कि कमाई 12,000 रुपये से कम हुई तो डिफरेंस अमाउंट सरकार देगी। इसी तरह से कितनी रकम मिलती है, किसान को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इसी योजना के चलते कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की है कि प्रत्येक किसान को सालाना 75,000 रुपये पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए जाएंगे। दायरे में कितने किसान आने का दावा किए गए हैं? सरकार का दावा है कि 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मोदी सरकार का ये वादा है। राहुल जी का वादा है कि 25 करोड़ गरीबों को इससे फायदा होगा। न्यूनतम आय योजना से 25 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि प्रत्येक गरीब को 72,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। जिनकी आय है वो महीने की 12,000 रुपये से कम है तो उनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर उसकी आय 7,000 रुपये है तो बाकी 5,000 रुपये है वो सरकार देगी, अगर कांग्रेस की सरकार इंडिया में बनती है तो। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना देने का वादा किया है, जिसे गरीबों को सालाना 72,000 रुपये मिलने देने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा किए गए इस वादे से जो ये वादा किया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना को लागू करने का वादा किया है, इसके बारे में आप अपने विचार है वो कमेंट में दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।